स्वागत है आपका जेके 24/7 के पॉडकास्ट मेरी कहानी में, जहां मैं पलक सहगल बनती हूं आपकी आवाज, जहां कहानी होती है आपकी पर होती है मेरी जुबानी। आज हमारे पॉडकास्ट में कहानी है भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन करने वाले भगत सिंह। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वह कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 मार्च की आयु में हुई। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो पंजाब भारत में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके एक चाचा सरदार अजीत सिंह ने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। उनके एक मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका अच्छा समर्थन किया और चिनाब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को आयोजित किया। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज हो चुके थे, जिसके कारण वो ईरान पलायन के मजबूर हो गए। उनके परिवार गदर पार्टी के समर्थक थे और इसी कारण से बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। आज जानते हैं कि भगत सिंह को 24 मार्च की जगह 23 मार्च को फांसी क्यों दी गई थी। भगत सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार करने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई 24 मार्च 1931 की तारीख, ये मुकरर की गई। इनका लगभग 2 साल का कारावास था। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आजाद थे, वहां भी छोटी छोटी समस्याओं के लिए आंदोलन कर दिया करते थे। गैरों के नाक में दम कर देते थे, क्योंकि वहां के खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। एक कमरे में 10 कैदियों को रखते थे। बर्तन साफ नहीं होते थे, रोशनी भी खिड़की में नहीं आती थी, और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते थे। अंग्रेज इससे घबरा जाते थे और कहा, अरे यार इसको अलग सेल में रखो। इससे सारे भारतीय बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे और आंदोलन शुरू कर देते थे। सही खान पान की व्यवस्था न मिलने पर भगत सिंह और उसके कुछ साथी 64 दिन के लिए अनजल त्याग अनशन पर बैठ गए थे। अंग्रेज ने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे करते 64 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया, और उस समय क्रांतिकारी यतीन्द्र दास शहीद हो गए। भगत सिंह भी धीरे धीरे शरीर से कमजोर होते जा रहे थे, लेकिन जिगर से अभी भी मजबूत थे। उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। जब जेलर भी बहुत परेशान हो रहे थे, जेल में इंकलाब जिंदाबाद के खूब नारे लगाते थे। आखिरकार अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। उन दिनों भगत सिंह कई लेख भी लिखा करते थे। उन्होंने सबसे कह रखा था कि जब भी कोई उनसे मिलने आएगा, नई किताब लेकर आएगा। और जेल में ही करीब 300 किताबें पढ़ डाली और करीब 3000 पन्ने लिख भी डाले। उसको बाहर भेजते भी रहते थे, जिससे आज कुछ है और कुछ नहीं है। एक छोटी सी भगवत गीता की किताब जरूर जरूर रखते थे और साथ में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भी रखते थे। जेल में किताबें पढ़ने की दीवानगी से जेलर भी अक्सर बहुत परेशान रहा करते थे। भगत सिंह जो है, कॉल मार्क्स और लेनिन से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे। जब इनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने बताया कि मुझे लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढ़नी है। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उस दिन भी लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में मगन थे। और जब उसे लेने के लिए जेलर आए तो उसने कहा, रुको, अभी देखते नहीं, अभी पढ़कर भी उठे नहीं हैं। जब किसी का फांसी का दिन नजदीक आता है तो वो घबराता है, लेकिन यहाँ भगत सिंह के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। डर तो उसके अगल बगल भटक भी नहीं रहा था। ये देखकर जेलर भी हैरान थे, कैसा इंसान है, भला मौत नजदीक है और ये हंस रहा है। जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 को होने वाली है, तो लोग उसके लिए सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लगे। बहुत बड़े तादाद में लोग सड़क पर उतर कर फांसी रोको का
हर तरफ नारे गूंज रहे थे। इससे जेलर बहुत घबरा गए थे और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बन रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी फांसी के दिन 24 मार्च को लोग दंगा करवा दें, ऐसा ना हो आग ही लगा दें। बहुत भीड़ आने वाली थी। जेलरों को पहले ही एहसास हो चुका था कि फांसी के दिन बहुत से लोग आ जाएंगे और ऐसा पहली बार हुआ था कि फांसी का समय जो सुबह का होता है केवल इस चक्कर में ही 24 मार्च के दिन दंगा ना करा दें। जैसे तैसे करके 24 मार्च की जगह 23 मार्च 1931 की रात को ही फांसी दे दी जाए। उससे पहले भगत सिंह ने बड़े प्यार से कहा था, तुम सर पर कपड़ा नहीं डालना और हमारे हाथ भी नहीं बांधना, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने कहा, ठीक है हाथ नहीं बांधेंगे लेकिन सर पर कपड़ा तो हमें डालना ही पड़ेगा। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु मुस्कुराते हुए नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, और उसके बाद फंदे की चूम कर फांसी में झूल गए। तो चलिए आज आपको सुनाई कहानी भगत सिंह की। ऐसे ही आपको दिलचस्प कहानी सुनाती रहूंगी अपने पॉडकास्ट में। बने रहिए हमारे साथ और वेट करते रहिए मेरे अगले पॉडकास्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।